पुलाव के साथ साथ ना इनके पास काफी सारा देसी फूड भी होता है, मतलब चिकन कढ़ाइयाँ, दाल वगैरह भी। ये इस जगह के ऊपर इनकी सारी बनती है कढ़ाइयाँ वगैरह, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके अगर मैं ऑपोजिट बात करूँ जो उस साइड पे है, वहाँ पे सारा इनका पुलाव का सेटअप है। तो क्या क्या होता है इनकी एक प्लेट के अंदर? ये जी इनकी प्लेट है और ये इसमें राइस वगैरह होते हैं। ओए होए होए होए, फुल हैवी सीन है भाई साहब। कह रहा कुछ भी है और रायता भी है जी इसके साथ, फ्री है वो भाई बता रहे हैं अभी। इसकी प्राइस क्या है पुलाव की? 360 की ये टोटल डील है। क्या बात है, मैं इसकी बाइट बनाऊंगा एक प्रॉपर। इसके साथ थोड़ी सी शामी लेते हैं और चिकन का पीस लेते हैं, गरम बहुत लग रहा है मुझे। हेलो जी, वेलकम टू नदम व्लॉग। और आज हम लोग आए हैं फैसलाबाद का ये बहुत ही मशहूर चिकन पुलाव यहाँ से मिलता है, इसको कहते हैं तारक मुर्ग पुलाव। तो तारक मुर्ग पुलाव वालों की ये जी शॉप है, यहाँ पर इनके पास पुलाव भी है, ये बैक पे भी आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इनके पास देसी फूड के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है, जिसके अंदर चिकन कढ़ाइयाँ वगैरह भी, ये सब चीज़ें भी इनके पास मौजूद होती हैं। और अगर मैं रोड की बात करूँ कि इसकी लोकेशन किधर है, क्या कहाँ पर मौजूद है ये, तो ये सरगोधा रोड इसको बोलते हैं। ये सामने क्रिसेंट मिल है, इसकी वॉल जो आपको दिखाई दे रही है ये सारी क्रिसेंट मिल की वॉल है। तो क्रिसेंट मिल के बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये तारक मुर्ग पुलाव है। तो अभी इनके पास से मैं इनका जो चिकन स्पेशल मुर्ग पुलाव है, मैं वो भी इनका टेस्ट करूंगा, उसका टेस्ट कैसा है सारा रिव्यू वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बाकी फूड मैं इनका ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि स्पेशल इनकी हॉट आइटम जो है वो पुलाव है, तो पुलाव पर ही हमारा फोकस रहेगा। आज ये मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इनका सारा तंदूर का सेटअप है, क्योंकि पुलाव के साथ साथ ना इनके पास काफ़ी सारा देसी फूड भी होता है, मतलब चिकन कढ़ाइयाँ, दाल वगैरह भी, और देसी फूड के अंदर भी सब कुछ इनके पास वो चीज़ें भी मौजूद होती हैं। तो रोटियां वगैरह का जो सारा सिस्टम है, ये इनका तंदूर है, यहाँ पर रोटियां वगैरह का सिस्टम होता है। ये इस जगह के ऊपर इनकी सारी बनती हैं कढ़ाइयाँ वगैरह, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई जान, क्या बना रहे हैं? कौन सा चिकन कढ़ाई बन रही है जी, ये देखें यहाँ पर। और उसके अलावा इनके पास ना सब्जियाँ वगैरह भी होती हैं, ये वेजिटेबल्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, उधर भी पड़े हैं चिकन वगैरह, मतलब ओवरऑल जलफ्रेजी, चिकन कढ़ाइयाँ, इस मतलब जो लाइन की सारी चीज़ें हैं ना वो भी इनके पास होती हैं। तो भाई अभी बना भी रहे हैं। और इसके अगर मैं अपोजिट बात करूँ जो उस साइड पर है, वहाँ पर सारा इनका पुलाव का सेटअप है, ठीक है, पुलाव सारा इनका वहाँ पर होता है। अच्छा जी, इनका यहाँ पर सारा पुलाव का सेटअप होता है, और ये भाई होते हैं यहाँ पर जो सारा सर्व वगैरह करते हैं। ये इनका पुलाव का सारा सीन है यहाँ पर, ये इसके अंदर बर्तन के अंदर सारा इनका पुलाव पड़ा हुआ है, ठीक है, गर्मा गर्म पुलाव है यहाँ पर। और भाई जान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं? अच्छा, क्या क्या होता है इनकी एक प्लेट के अंदर? सादा चावल, एक वनेट का पीस। अच्छा, सादा चावल होते हैं, कह रहे हैं कि एक उसके अंदर पीस होता है और बाकी जो मतलब दो कबाब वगैरह भी आपको ऐड करके देते हैं। तो एक बेहतरीन सी बनाएं ज़रा हमारे लिए प्लेट, हम देखते हैं टेस्ट भी करते हैं फिर। ये जी इनकी प्लेट है और ये इसमें राइस वगैरह होते हैं। ओए होए होए होए, फुल हैवी सीन है भाई साहब। ये प्लेट है और ये चिकन पीस है और दो इसमें कबाब हैं और राइस हैं। चिकन पीस है, इसके अंदर मतलब मुख्तलिफ होते हैं, मतलब जो भी आप चाहते हैं आप इनसे वो वाला चिकन पीस भी इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने लेग खाना है, उसमें चेस्ट पीस लेना है, कुछ भी है। और रायता भी है जी इसके साथ, फ्री है वो भाई बता रहे हैं अभी। इसकी प्राइस क्या है पुलाव की? 360 की ये टोटल डील है, मतलब इसके अंदर राइस, दो कबाब, चिकन पीस और रायता 360 की है ना, ठीक हो गया। अभी इसको हम ट्राई करते हैं, आप उधर लगवा दें हमारे लिए, तो इसका टेस्ट करते हैं फिर। थैंक यू। ये जी रायता वगैरह इनका यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये रैक है सारे बर्तनों वगैरह के, इनके प्लेटें वगैरह और चम्मच और ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका सेटिंग एरिया सारा, अभी यहाँ पर कहीं पर हम बैठ जाते हैं और इनका पुलाव जो है वो टेस्ट करते हैं, यहीं पर बैठ जाते हैं। थोड़ी लाइट भी है यहाँ पर। ये जी ऑर्डर आ गया, ये नहीं, ये हमारा नहीं है, ये साथ वाले भाई का है।
हमारा ऑर्डर जो है वो लड़का उधर लेने गया हुआ है और अब्दुल्ला तो बड़ी बेसब्री में बैठा हुआ है। अब्दुल्ला यार कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर लो, अभी आ जाएगा, टेंशन ना लो। ये जी हमारा भी ऑर्डर आ गया, हमने इनकी एक ही प्लेट मंगवाई है फिलहाल, क्योंकि इसका पहले टेस्ट लगाएंगे, अगर हमें मज़ा लगी तो फिर हम इसकी एक प्लेट और ऑर्डर कर लेंगे। तो ये है जी इसकी लुक राइस की, और इसके साथ ये है इनका रायता। रायता तो काफ़ी थिक लग रहा है देखने के अंदर, देखने में तो काफ़ी थिक लग रहा है, बाकी अभी ट्राई करते हैं इसको। लो जी अभी इनका पुलाव मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो फोर्क का मैंने पता किया, कह रहे हैं फोर्क नहीं है, आपको ये स्पून ही मिलेगा इसके साथ, और चेस्ट पीस है जी ये वाला। क्या बात है जी, ओए होए, फोर्क से ये होता है अगर टूट आसानी से जाती हैं चीज़ें। मैं इसकी बाइट बनाऊंगा एक प्रॉपर, इसके साथ थोड़ी सी शामी लेते हैं और चिकन का पीस लेते हैं, गरम बहुत लग रहा है मुझे। और भाई साहब जैसा इनके बारे में सुना था ना, कसम से वैसा ही है, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज पुलाव है। बहुत 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 अच्छा टेस्ट है। जो इनका चिकन है ना, थोड़ा सा साल्टी टेस्ट दे रहा है चिकन इनका, और जो शामी है, शामी का टेस्ट जो है ये भी बहुत कमाल टेस्ट है शामी का भी। और राइस जो है उनमें मिर्च तेज़ नहीं है, नॉर्मल मिर्च है, मतलब बड़ी ना मज़े वाली चीज़ बनाई हुई है इन्होंने, कि वो मतलब स्पाइसी भी नहीं है, टेस्ट वाइज भी बड़ा परफेक्ट है, चिकन भी जो है प्रॉपर बना हुआ है, मतलब सख्त नहीं है, टूट रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है। ओवरऑल मेरी तरफ से भाई साहब इसको फुल पॉइंट्स हैं लेवल। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए जी तारिक मुर्ग पुलाव पे, जो के मौजूद है सरगोधा रोड पे, क्रीसेंट मिल के बिल्कुल सामने। ये है जी इनका फेमस जो है मुर्ग पुलाव, वो अब हम टेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने चिकन ले लिया इसके साथ, और ये थोड़ी सी इसकी शामी लेंगे और इसको टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट में मज़े का है कि नहीं। मज़ेदार है यार बिल्कुल ना, जो ये शामी है इसका अलग टेस्ट आ रहा है, जो चिकन है उसका अलग टेस्ट आ रहा है, चावल है उसका अलग टेस्ट आ रहा है, काफ़ी यमी है यार वो। आप इसको थोड़ा सा रायते के साथ टेस्ट करेंगे, वे वे वे। मज़ेदार है यार। यार ये जो प्लेट है ना, इसके अंदर आपको चावल मिलेंगे, बोटी मिलेगी, दो शामियां और ये रायता, 360 की ये प्लेट है यार, काफ़ी मज़ेदार है पुलाव। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।